सभी देखना शुरू कर चुके हैं हमारा टीआरपी यूट्यूब चैनल, जिसपे करंट अफेयर्स के तीनों फॉर्मेट उपलब्ध कराए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में और इमेज के साथ में। तो इस वीडियो में जो है देखेंगे हम क्विज के फॉर्म में, यानी कि क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में, और पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए। तो इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इस प्रकार की वीडियो डेली देखने के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के प्रेस जरूर करिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज की करंट अफेयर्स वीडियो का पहला क्वेश्चन, शिल्प दीदी महोत्सव का आयोजन कहाँ चल रहा है? तो ये नई दिल्ली में चल रहा है। वहीं सियोलुच ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ये किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है, सियोलुच ज्वालामुखी, याद रखिए। अगला है कि नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो गोविंद मोहन। और इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जो प्रदान किया गया, किस हवाई अड्डे को? हैदराबाद हवाई अड्डे को मिला है सर्वश्रेष्ठ जो इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स का पुरस्कार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। वही मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तरुण चुग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा की नज़र से है, तो याद रखिएगा मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी पुस्तक जो लिखी गई है वो तरुण चुग के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर जो अलग है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप हाल ही में कौन बनी है? तो डायना कुंडोले जो है ये बनी है पहली महिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगामी परीक्षा के से, क्योंकि ये पहली इंडियन है जो कि बनी है रेसिंग चैंपियंस में जो है महिला राष्ट्रीय में, डायना कुंडोले नाम है इनका। वही नेक्स्ट है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए तो उनका नाम क्या? तो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है तो उनका नाम अनवर इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त 2024 को चेन्नई में किस नेता की शताब्दी पर स्मारक सिक्का जारी किया? तो डॉक्टर कलाइंगनर एम करुणानिधि की जो शताब्दी पर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है जारी किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट, भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन स्टेल्थ फ्रिगेट आई एन एस टब्बर किस शहर की 2 दिन की यात्रा पर गया? तो ये एस बज जर्ग की तरफ यात्रा पे जो गया है 2 दिन के लिए आई एन एस टब्बर। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी कि MRCC का उद्घाटन कहाँ किया? तो चेन्नई में किया गया है, किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत ने किस देश के 10 पोर्टेबल अस्पताल यानी कि भीष्म क्यूबस उपहार स्वरूप देने की घोषणा की? तो किसे? तो याद रखिएगा किस देश को देने की घोषणा की गई? तो यूक्रेन को जो है भारत जो है देगा 10 पोर्टेबल अस्पताल यानी कि भीष्म क्यूबस। अगला है कि सपनों की उड़ान नामक ई पत्रिका का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है किस तिथि को मनाया गया? तो ये 23 अगस्त को मनाया गया पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खेलो इंडिया अस्मिता वसूली पश्चिमी क्षेत्र का आयोजन हाल ही में शुरू होगा? तो ये होगा मेरठ में। नेक्स्ट, किस देश ने भारत सहित 35 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की? तो श्रीलंका ने की है। वहीं भारत और किस देश ने हाल ही में आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका ने किया है भारत के साथ जो है आपूर्ति सुरक्षा समझौते। काफ़ी इंपॉर्टेंट समझौते को लेकर के एक क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम गति सख्त पहल यानी कि पीएम गति सख्त पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। वहीं अगला है कि भारत द्वारा विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 24 नवंबर 2024 के मध्य कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा की नज़र। अगला है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जो है MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम आपको याद रखना, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल। तो आप देख रहे थे हमारे TRP पे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कम क्वेश्चनों का कलेक्शन किया जाता है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट परीक्षा की नज़र से नहीं होते हैं, इसलिए इस वीडियो में आपको ये बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन आप सिलेक्टिव पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। वो करंट अफेयर्स की वीडियो इमेज विथ होगी, उसको भी आप देखिएगा, उसमें भी आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी ईजी रहेगा, उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। एक पंक्ति का समझ में आता तो उसको भी एक से दो बार सुन सकते हैं।